हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। जीवी रोड पे चले दो ना भाई, मिलकर थोड़ा सा वहाँ पे भी एंजॉय कर लेंगे। फिर बदतमीजी कर रहे हो आप, फिर बदतमीजी कर रहे हो। ऐसे ही रिकवरी करते थे। कैसे हमारे सभी धाकड़ भाई हो? तो भाई मैं यहाँ पर एजेंट से मज़ेदार बात हुई, एजेंट अच्छा था। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, हंसते रहो, मस्त रहो, और रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो, अभी सही थी आवाज़ आ रही है? हेलो जी सर, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? इतने टाइम से आपकी पेमेंट नहीं आ रही है। भाई साहब पेमेंट यूँ नहीं कर रहा हूँ, आपका आधार कार्ड का फोटो, पैन कार्ड का फोटो, मतलब फोटो कॉपी करा के घर पे ले आओ, मेरे को पैसे ले जाओ। मतलब मैं आपके घर पे आऊँ, आपको आधार कार्ड का और पैन कार्ड का ये सारी चीज दूँ, तब आप पेमेंट करेंगे और आप पैसे ले जाओ? क्योंकि आपका जो मैंने उधार ले रखा है ना, मुझे याद नहीं है मैंने कब लिया था, कौन से टाइम पे लिया था, तो आप आके ले जाओ, मुझे बताओ तो याद दिलवाओ। अच्छा, मतलब आपको याद ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ वही तो, मेरे को याद नहीं ना मैंने तुमसे कब उधार लिया था, तो मेरे को थोड़ा याद दिलवा देना पैसे ले जाना। मेरे से आपने उधार लिया है? वही तो भाई साहब, आप मुझे डरा रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, आप कहते हैं मुझे कहते हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, धमकी मेरे से आधार कार्ड मांग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आपने मेरे आपने मेरे से उधार कब लिया मुझे ये बताइए, और मेरे पैन कार्ड और आधार कार्ड की क्या जरूरत? बिल्कुल डरा, आप मुझे कहते हैं मिसगाइड। सुन ले भाई, बोले जा रहे हैं, जब तुमसे मैंने उधार नहीं लिया तो ये क्यों बोल रहा पेमेंट दे दो? ये बोलो ना कि फला कंपनी से बोल रहा उसका पेमेंट दे दो। यार डायरेक्ट पेमेंट मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें एजेंट होने पर तुम्हारे जो है ना एक तरीके से एजेंट, मैं मान ही नहीं सकता एजेंट, एजेंट होने नहीं चाहिए था तुम्हें यहाँ पर। कहने का मतलब मेरा ये है, समझे? आप जैसा कॉलर बहुत अच्छा है, ठीक है ना? कॉलर हूँ मैं, तुम्हें कॉलर दिख रहा हूँ मैं? नहीं सॉरी, आप जैसे कस्टमर बहुत अच्छे हैं जो कहते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपको पता है बैंक की तरफ से कॉल आ रही है पिछले 3 महीने से, आप पेमेंट नहीं कर रहे। आपको वैसे जो है ना, मैं अगर मतलब अपने अकॉर्डिंग वैसे मैं शब्द में यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आप स्पेशल बोल रहे हो तो मतलब बुरा मत मानना, मैं अपनी तरफ से यूज नहीं करना चाहता ये शब्द, लेकिन आप स्पेशल बोल रहे हो तो आपके जवाब पर जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? आप बुरा मत मानना। नहीं बुरा क्यों मानेंगे? सामने वाला जो पर्सन है ना, मेरी नजर में तो गधा है, उसे ये नहीं पता कि सामने वाले जो पर्सन है उसका एक लोन नहीं हो सकता, अदर लोन भी हो सकते हैं, 4-5 लोन हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं। तो उसका जो है ना, उसको क्या कहते हैं, पता है कि भैया इस लोन से कॉल आया, वो बताएगा नहीं, उसको पहले से ही पता है आपकी नजर में। लेकिन भाई हमारे यहाँ ना, हम जो जीनियस बंदे होते हैं, जो दिमाग वाले बंदे होते हैं, उनको नहीं पता होता यार, या आपकी नजर में हम बेवकूफ होंगे, अपनी नजर में हम ठीक है, समझे आप कहने का मतलब? सर जी हाँ समझ गया सर, समझ गया मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन सर आप पेमेंट तो कर दीजिए कम से कम, आपको पता है कि हर महीने पेनल्टी लगती है। अरे भाई साहब कौन सी कंपनी से बोल रहे हो? अभी वो नहीं बताया जा रहा सर, आपको पहली बार पहले भी बताया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो आपका लोन चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी सर, नाम मेरा कहते हैं सूर्या। सूर्या, अभी कुछ और बताया था शायद पहले जब बात हुई थी? मैंने तो नाम ही नहीं बताया पहले सर आपको, अब बताया अपना नाम। तो सूर्या जी मैंने बताया, आरटीपी डाल दो इसी बात। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है जो आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं? बताएंगे क्योंकि आरटीपी डालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा ना आपके साथ, ये प्रॉब्लम लिखते ना कि कस्टमर एब्यूजिंग कर रहा है और डिफॉल्ट करने की कह रहा है, बस इतना लिख देना प्रॉब्लम। और अगर कोई दिक्कत हो सर, क्यों क्यों मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम बता दो जी। तो आप जो कह रहे हैं ना कि कस्टमर डिफॉल्टर करना चाह रहा है, और ये तो गलत है ना, इसका मतलब आप कहते हैं खुद ही गलत कर रहे हैं। भाई साहब मुझे जेल में डलवा दो, ठीक है? मैं गलत कर रहा हूँ, ओके? ये देखो आप फिर मुझे डरा रहे हैं कि मुझे जेल में डलवा दो। भाई डराना क्या, ये डर रहे और क्या, डराई तो रहे हैं आप, तुम जैसा पर्सन नहीं मिला ये भाई, डराना है? बिल्कुल डराना ही तो है, आप पैसे भी नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे जेल में डलवा दो, ये डराने के बाद क्या नहीं है और क्या है? कभी आप मेरे ऊपर क्लेम करें, आप मुझे से कहें कि कॉलर ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे साथ अभी यूज करा फिर जैसे आप बोल रहे हैं। भाई एक बात तो बताओ मुझे, ये डराना है, तुमने मुझसे बोला कि भाई साहब आप ये गलत करो, मैंने बोला ठीक है भाई आपका जो फर्दर प्रोसेस है जेल भिजवा दो मुझे, ये डराना है? बिल्कुल डराना है, ये डराना नहीं और क्या है, आप बताइए भाई साहब। तो आप कोई भी कंपनी से आपके पास कॉल आएगी, आप उससे ये बोलेंगे, सुनिए मेरी बात सुनिए,
अरे इससे भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपने वाले लोन भाई, लिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले भाई, हाँ आप एक बताइए। काम करो सूर्य भाई, मैं ये बोल देता हूँ कि आपका जो फर्दर प्रोसेस है आपको कर लेगा, पैसे नहीं दे रहे, ठीक है? तो मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा मतलब बैंक को पैसा क्यों नहीं देना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड को? आपकी क्या मतलब इशू चल रहा है, क्या ऐसी कहते बात होगी जो आप पैसा नहीं देना चाह रहे हैं? अभी तो बताया वो मुझे इंटेंशनली, लिखना पड़ेगा ना। इंटेंशनली तो इंटेंशनली आपने मेरे से गाली नहीं बकी है, मैं कैसे लिख दूं कि आपने कहते हैं गाली बकी है? तू झाटू है, आपने आप ही बोलना तू आर टी झाटू पी है, डाल लो, मैं मैं आपके कह रहे हैं। कह दिया तू झाटू है, ठीक है, गाली बकती मैंने, ओके? और मतलब ये कोई बात होगी, मैं कहते हैं अब आपसे कह रहा हूँ, आप गाली मतलब की। अरे यार तुम्हें रीजन चाहिए था, बोल दिया तू झाटू है, गेंडू है, और बताओ इससे ज्यादा तो क्या सर गाली मुझे देना। मुझे पूरी रिकॉर्डिंग करना है ना कि हाँ आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी कि आपने ये गाली बकी है, तो मैं भेजूंगा ना आपकी पूरी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग और कितनी हाँ बड़ी ये रिकॉर्डिंग दूं? मतलब ये कोई कहते हैं गलत बात होगी ना, आप तो मुझे डरा रहे हैं, बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं आपसे बता ही नहीं सकता, आपसे बात करने में मुझे डर लग रहा है। यार एक बात मैं क्या मतलब आप ऐसा अपने अंदर से कर अगर बोलूं, यार तू है भाई कुछ एजेंसी का बंदा, तूने मजा दिला दिया कसम से, तुझ जैसे बंदे रोज आने चाहिए। ये लो सर, अब आप मेरे से मजाक भी करने लगे हैं। अरे यार इसका मतलब क्या है, रुको पैसे डाल, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मतलब कसम से मजा आ गया भाई, कुछ भी कह लो। सर मुझे तो मजा जब आएगा ना, जब आप 14,000 ये डाल लोगे पैसे, मुझे भी तो मजा दिलाओ ना। आप तो मेरे से मजा ले रहे हो, 14,934 रुपए डाल के मुझे भी तो मजा दिलाओ, और मजा मैं भाई, कहूंगा कि हाँ भाई कस्टमर अच्छा था हमारा। अगर तुम्हें मजा चाहिए ना, तो मजा जो मिलेगा ना भाई साहब, आपको मिलेगा दूसरे कस्टमर से, मेरे पास तो भाई मजा मैं उल्टा लेता हूँ, देता ही नहीं किसी को। कोई नहीं सर, देखो कहते हैं 30 बार की मोह माया है, ठीक है ना। सब चीज कहते हैं सिक्का एक तरफ से नहीं घूमता, दोनों तरफ से घूमता है। किस में आया केस, दोबारा बोलना। मुझे तो आपसे बस ये कि पेमेंट सर कहते हैं कर देंगे, अच्छा रहेगा कि मेरा नंबर बढ़ जाएगा, मेरे सारी चीजें कहते हैं बस ये सर, हमारा तो काम यही है कहते हैं बस कस्टमर से पेमेंट कराना। अब आप जैसे कस्टमर ऐसे मिल जाएंगे दिन भर में, आप जैसे 4-5 मिल गए तो हमारी तो नाव डूब जाएगी, भाई साहब मेरे सब जैसा ऐसे करने मिलेगा लगे नहीं, मैं आजकल। खुद रिकवरी कहूँ, मेरे जैसा नहीं मिलेगा कस्टमर। नहीं तो सर आप रिकवरी के तो आपको तो खुद समझ में आना चाहिए कि यार मैं खुद रिकवरी का हूँ, दूसरा बंदा मेरे से रिकवरी कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं किसी और से रिकवरी करूंगा जैसे मैं इसके साथ कर रहा हूँ, वैसे ही मेरे साथ होने लगे, मेरी कोई रिकवरी नहीं आएगी, आप क्या करोगे? रिकवरी नहीं आएगी, मैं तो भाई बोले करता ही नहीं, छोड़ दिया मैंने काम, तो मैं ऐसा थोड़ी करता हूँ, तुम्हारी तरह मेरा टारगेट नहीं था, जो तुम्हारा एजेंसी ओनर था ना, मेरा जो भी एजेंसी ओनर देखो था। टारगेट की बात नहीं है, जो भी होता है कुछ भी होता है सारी चीज कहते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा? जैसे आप मेरे साथ कर रहे हो कि आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, आप मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो कि नहीं आरटीबी करो, गाली बक दी, ये लो अब डाल ले, अब अब्यूज लिख दे, इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है, सीधी बात है यार भाई कि मैं आप नहीं दूंगा पैसे। एक काम कर भाई, भाई हाँ एजेंसी का नाम हाँ बता भाई, एक बार एजेंसी का नाम बता भाई, सॉरी सर, मैं एक बार मैं आके खुद स्पेशल भाई अपने हाथों से चाय पिलाना चाहता हूँ आपको, बैठ के अपने सामने एक बार एजेंसी नहीं। का नाम बताओ। लाइफ में कभी गए थे, अगर हुआ तो मिल लेंगे, वरना वो भी नहीं, पैसे कर दो, मैं कहते हैं आपको कहते हैं अपना चाय पीऊंगा आपके साथ, बल्कि मैं पैसे खुद दूंगा, चाय की जगह कॉफी पिलाऊंगा आपको अपनी तरफ से, ये लेकिन आप तो फुल एक अमाउंट कर तरीके से दो। वो वाली बात है ना कि अगर मैं कहूँ तो कैसे कहूँ मैं अपने शब्दों से, ये एक तरीके से गुमराह करने वाली बात है भाई, कॉल जब पेमेंट हो जाएगी भूल जाएगा कौन है सामने वाला। ऐसा है ना, अभी शेख सर आप पेमेंट कराओ, ठीक है ना, मैं आपको चाय पिलाऊंगा कहते हैं ईरानी टी, ठीक है ना, स्पेशल वाली, साथ में बैठ के पियेंगे दोनों भाई, फिर और मजा आएगा, मैं भी यार आपसे मिल लूंगा कि किरानी नहीं यार वाली चाय, घर अच्छे। एक हाँ काम करें जीवी रोड पे चले दो ना भाई मिलकर, थोड़ा सा वहां पे भी एंजॉय कर लेंगे। फिर बदतमीजी कर रहे हो आप, फिर बदतमीजी कर रहे हो, भाई ऐसे रिकवरी करते थे साहब बदतमीजी पता हैं। क्या होती है, बदतमीजी पता है क्या होती है, मैंने खाली जाने को बोला, मैंने ये नहीं बोला वहां पे ये करेंगे, मैंने जाने को बोला, तुम गलत सोच रहे यार हो भाई, सामने तुम्हारे वाला, मैं एक बार बताऊँ, गलत नहीं सोच रहा, गलत वर्डिंग का मतलब क्या होता है? वर्डिंग तो गलत हुई नहीं है, गलत जीवी रोड वर्डिंग। खाली एक जो है ना रोड का नाम हाँ है तो जीवी फिर रोड, वर्डिंग तो गलत हुई नहीं है कुछ। यार फिर बच्चे से किसी से ही पूछ लो, ठीक है ना, समझ रहो, गया 64 का ही नाम ले दो, हर कोई कहते हैं समझ जाएगा कि भाई क्या कह रहा है यार तू है।
यार 64 नाम। तेरी बात समझ में, फिर तू बंदा है समझ में आ गया यार, तेरे है ये वो, तो आपकी समझी। देखो आप भी रिकवरी के एजेंट रहे होंगे, पहले कॉल करी होगी, सारी चीज करी होगी, सब चीज अपना जूनियर समझ के पेमेंट कर दो। भाई साहब देखो, वैसे देखो अगर मैं रियलिटी बताऊं, जूनियर तो खैर देखो मैं मान हाँ लो, देखो रिकवरी वाले बंदे गलत नहीं है, आपने जो भी रिकवरी में पर्सन बैठते हैं बस वो तरीका गलत होता है, जो गाली बकते हैं दूसरे वाले जो बंदे होते हैं ना चिपकने वाले, भाई वो बंदे गलत नहीं होते मेरी नजरों में, क्योंकि भाई उनको भी टीएल का डंडा है, उनका सीनियर का प्रेशर है भाई, वो भी जॉब कर रहे हैं, घर परिवार में पैसे दे रहे हैं ला रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं काम बनना, तो गलत नहीं है अपनी जगह। बाकी यहाँ गाली बकने नहीं वाले सर, गलत मान लो, मेरे हाँ गाली बकने वाले गलत मान लो, लेकिन हाँ आप चलो पहले आप ही बोल लो भाई साहब। से अब आप खुद ही सोचो, मेरे से ज्यादा आप जीनियस हैं, टैलेंटेड हैं, आपने मेरे से ज्यादा रिकवरी करी होगी, ठीक है ना, सब चीज करी होगी, आपने नंबर भी लगाया होगा, इंसेंटिव भी आपने कमाया होगा, हर चीज करी होगी, हम तो स्टार्ट है। अब आप जैसे कहते हैं भाई हमारे साथ ऐसा करेंगे कि भाई आरटीपी डाल दे, मैं देखो हमने आप तुझे एक आदमी गाली को बताता बकी हूँ, है, हमें थाने, सुनो एक बार बताओ हम पे क्या वो आएगा इम्प्रूवमेंट, हम पे तो नेगेटिविटी चाहिए यार, बताओ यार अपनी लाइन का बंदा हमारे साथ ऐसा कर रहा है, दिल मैं में पता क्या क्या है होगा फिर। ये बताओ यार, एक मिनट तुम ये बताओ कौन तुम, हमारे ऐसे का भाई समझो, नहीं वहां पे एजेंसी में क्या पोस्ट है, मतलब क्या रखते हो पोस्ट, भाई जो तुम्हारी है वही मेरी पोस्ट रही है। हाँ मेरी यार टीएल पोस्ट थी, तुम्हारी भी टीएल है पक्का, क्योंकि हाँ भाई, डायलर का नंबर तो है नहीं, मोबाइल से बात कर रहे डायलर का नंबर है, झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलता सिर्फ और सिर्फ सिवाय नुकसान के हो, और डायलर अपनी का आत्मा नंबर को नहीं है जलाने भाई के अलावा। साहब, डायलर का नंबर नहीं। सर तारोगे बताओ, हाँ मैं क्या कह रहा था, अभी कुछ बोलने वाला था यार, मैं बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा कहते हैं जो ये होते हैं ना कॉलर, तो यार ये दिमाग खराब कर देते, मुझे पता है कि यार ये अपनी जगह सही है, लेकिन भाई फिर भी दिमाग खराब करते, तो भाई मैं करता हूँ इंजॉयमेंट, जैसे तुम्हारे साथ कर रहा था अभी, तो देखो ऐसा है। देखो एक चीज बताऊं सर, मैं आपको बुरी हाँ मत मानना मेरी बात, हाँ देखो इंजॉय उसके साथ करा जाता है जो सामने वाला बंदा अपना हो, हम काम कर रहे हैं, अगर आप हमारे काम से इंजॉय लेना सीखेंगे तो समझ लीजिए आपसे कोई इंजॉय लेगा, ठीक है ना, कोई आपके लिए इंतजार कर रहा होगा यार मुझे अब अभी से एक से इंजॉय लेना है, लगा कॉल से इसका इंजॉयमेंट, इसकी पार्टी हम करते हैं, वो तो रोज तो होता है, हर वो चीज होती तो रोज होता है, है बता के, क्या वो तो क्या कहते हैं, जो तुम्हारे हाँ कॉलर है ना, जैसे जो गाली जो बदतमीज करते हैं, जैसे कि चल लिया नहीं जाता तो देख देते हैं, ये बोलने की अथॉरिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें देखो बोलने की सर, अथॉरिटी नहीं है गाली भाई साहब, मैं गाली आपको बकने की तो किसी 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 की अथॉरिटी नहीं होती लाइट है, में कंप्लीट नहीं, ना बहुत सारी एजेंट की चीजें ना कॉलर। लाइट में कंप्लीट, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और क्या कहते हैं वो कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, तो फिर उनको जब गाली देता हूँ ना, तो रिटर्न में अपने नंबर से कॉल करके गाली होते हैं, भाई तू भौंक ले आराम से, साइड में रख दिया बहुत सारे, ठीक है, तो भाई ऐसे मेरे रोज होता है, मैं तो रोज इंजॉय करता हूँ इस चीज का भी इंजॉय, गाली जब सामने वाले बकता है ना उसमें भी एक मजा आता है भाई, तू गाली बक और गाली दे, मैं तो साइड में रख देता हूँ फोन, ठीक है, और गाली देता रहता हूँ, भाई तू जो बोल रहा है मेरे कानों में नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ तेरे कानों में जरूर पड़ रहा है, हाँ तो जितना बोलेगा, दूसरी बात मैं जो बोल रहा था मेन बात वो रह रही यार, बोल रहे मेन बात ये है भाई साहब, मेरे क्या साथ तुम पूरी रात बात करो, पूरे दिन बात करो, पैसे नहीं निकलने वाले मतलब, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, यार, मुझे इंटेंशनली बताओगे कि हाँ। इंटेंशनली इंटेंशनली नहीं, नहीं, इंटेंशनली तो नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मैं पक्का कोई बता ना दूं, कोई कहते हैं। हाँ बता दूं, अरे यार मल्टीपल डेथ हाँ हो गए बता दो तुम्हारे भाई के ऊपर, क्या चीज। मल्टीपल डेथ हो गए तुम्हारे भाई के ऊपर, अब इनको ना राइट ऑफ के बाद या DPD 250 करीबन में सेटल करेंगे, जब कौड़ियों का दाम आ जाएगा, ठीक है, हाँ अच्छा राइट तब ऑफ आराम में आ से जाएगा, जब करोगे, राइट ऑफ या जब टू करोगे आप, 250 DPD, हम सही कह रहे हो, राइट ऑफ का हर कोई इंतजार कर रहा है, पता है कहाँ के हैं, ये राइट ऑफ बंद करवाना पड़ेगा मुझे हाँ बैंक के पास नोटिस डाल के, सही में हकीकत बता रहा हूँ, फिर पता है ना कस्टमर आप जैसे जितने भी है ना, जो रिकवरी तो कर लेते हैं 2 महीने, ठीक है ना, और सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े वाले एजेंट हो गए, जैसे कोई फील्ड बॉय भी हमने एफओएस लगा दिया ना, कोई सोचता है कि भाई मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा होशियार तो कोई होगा ही नहीं, अरे यार आएगी ऐसा, कॉलर की कॉल के कहते हैं बात करेंगे, उसे थोड़े बहुत गालियां बक देंगे, अगर उधर से कुछ हो गया साला खुद ही फोन रख देगा,
दिन भर में हमसे गालियां कोई सुनेगा? अगर सही कॉलर होगा तो एक ही बार में कॉल काट के दोबारा कॉल ही नहीं करेगा, इससे क्या हमारा पीछा बच जाएगा, ठीक है ना? हमारा एक दिन हो गया सही, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन कोई मनोरंजन करा, चल मेरे भाई, ठीक है ना, वो भी आपका निकल गया। तो देखो सर, एक चीज आप हमेशा याद रखो, कर्म का नाम तो सुना ही है ना आपने? नहीं, लेकिन मैं कर्मों की चिंता करता ही नहीं, मुझे देखो अच्छे बुरे से मतलब। नहीं, अच्छे बुरे से तो मतलब किसी को नहीं होता है, जब होने लगता है ना, जब उसके साथ होता है। मैं तुम्हें आज बता रियलिटी बोल रहा हूँ। हाँ। बात भाई, हाँ। मैं कोई अच्छा काम करता हूँ ना या बुरा काम करता हूँ, कोई भी टोटली, मुझे भाई ना अच्छे काम से मतलब है ना बुरे काम से, जो हो रहा है मैं करता हूँ बस, मुझे उससे मतलब नहीं क्या मिलेगा, उसको छोड़ दो, मैं फल से परे हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, अच्छा बुरा तो देखो मेरी खुद नहीं समझ में आता, मैं बताऊँ, मैं टोटली कहते बैठ ऑनेस्टली, हाँ 100% प्लस 10 और कर देना, टोटली बैड बैड मेरे से गंदी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कहते हैं अपने कहते हैं बैड मतलब ये है कि अपने यारों दोस्तों की नजर में बैड बहुत बुरा कहते हैं ऐसा है, अब आपके जैसा ही हूँ, लेकिन रिकवरी में बहुत अच्छी करता हूँ मैं। अगर कोई कस्टमर मुझे गाली भी बकता है ना, मैं ये उससे पूछता हूँ कि ये बताओ आपने गाली किस बेस पे बकती है, पहले तो ये बताओ, आपका खाया नहीं, आपका पिया नहीं, कौन सी डीपीडी में है ये? कौन? देखो जैसे तुम मजे लेना जानते हो ना, हाँ तो वैसे हमें भी तो मजे दिलाओ ना, तो दिला और तो रहा कस्टमर हूँ। कनेक्ट नहीं हुए तो भी एक ही कनेक्ट हुआ है तो कम से कम कौन थोड़ा से बकेट में? नींद आने लगी थी मुझे, मेरी नींद कहते हैं जो है ना आप गायब करवा दो, ठीक है ना, बस मैं इतना जानता हूँ। लेट अच्छा। मैं कहते सोने लगा था, आपकी कहते कॉल कनेक्ट हो गई, मैंने कहा सर अच्छे लग रहे हैं, कहते इनसे बात करने में अच्छा होगा, शायद पेमेंट भी कर दे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप तो राइट ऑफ में जाने वाले, पेमेंट कैसे आएगी? अरे यार मेरी बात तो मेरा सुनो, तो नंबर वैसे भी नहीं लगेगा। तुम जानना चाह रहे हो कौन से बकेट में है ये? ये तो मैं आपको बता नहीं सकता ना सर, पेमेंट बस मुझे तो पैसे से प्यार है, 14,934 रुपए बस, इतने अगर आप कर दोगे ईएमआई बस मैं आपसे खुश हो जाऊंगा, दो आपकी दिक्कत तारीफ पता करूंगा कि हाँ। है दिक्कत पता है क्या, हाँ जैसे मैंने तुमसे बात करी, अब मैं हाँ तुम्हारे बारे में अगर अपने थॉट बताऊं, तुम बंदे बहुत अच्छे हो, पर्सन में कोई दिक्कत नहीं, वैसे अपने हिसाब से सही हो, लेकिन हाँ वैसे मुझे नहीं पता भाई, ईमानदार हो बेईमान हो भाई, वो मिलके पता चलता है या साथ रह के पर्सन के पता चलता है, लेकिन वैसे बातचीत में बंदे देखो ठीक हो तुम, और जिस हिसाब से तुम बात देखो कर रहे मैं हो तो तुम्हें लगता बस है, मैं बता यार पहले मैं पूरी कर लूँ या तुम, एक भाई पूरी करेगा, तुम बताओ तुम्हें पूरी करनी है मुझे, क्या चीज एक भाई पूरी करेगा अपनी बात, या तुम कर लो या मैं कर लेता हूँ, कौन पूरी करेगा तुम सोचते हो? बताओ, आप पूरी करो पेमेंट की बात, तो जिस पूरी करो हिसाब से मैं बात खुश हो कर रहे हो जाऊंगा। मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई हेल्पिंग नेचर भी है, मतलब सामने वाले बंदे की मदद करने वाला भी तुम्हारा नेचर है, हाँ वो मैं एक अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन जो है ना जो भाई साहब आप बोल रहे हो कि सर दे दो 14,000, अभी मैंने आपकी अपनी प्रॉब्लम भी बताई, लेकिन आपको प्रॉब्लम से मतलब नहीं, आपको टारगेट से मतलब, आप मेरी तारीफ अगर देखो रियलिटी में जी बताओ, सर आप पहले यार मेरी पूरी नहीं है, मतलब जी, एक हाँ एक बोलिए। मिनट या 30 सेकंड नहीं है मेरे को, हाँ मतलब जो ये दुनिया है ना इसको मैं पता है क्या देखता हूँ अपने नजरिए से, इसको बोलिए। मैं देखता हूँ भाई, मुझे इससे मतलब नहीं, इसकी नजर में मैं गिरूं या उठूं मुझे मतलब ही नहीं है, मेरी नजर में ये भाई, इसकी नजर में उठना गिरना मुझे क्या लेन देना, ऊपर वाला है बस भाई, चल रहा है काम, उसकी कृपा से बात खत्म, उस बंदे से कोई लेना देना नहीं, आप मुझे अच्छा कहो या बुरा कहो, मैं तो कहूँ गाली दो आप मुझे, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं पेमेंट नहीं दूंगा, नहीं मैंने सर, शुरू में मैं बता आपको दी, गाली नहीं दे, मेरी मैंने पता मेरी क्या, इतनी मैंने औकात वैल्यू नहीं नहीं है भाई आपको साहब, कि कहते हैं गाली बक सकूं। आप मुझे दो ना दो वो आपकी इच्छा है, बाकी मैं बंदे को गाली ऐसे नहीं देता हूँ जैसे आपको मैंने दे दी, आप चुप रहे इसलिए दी थी, बाकी मुझे पता था मजे ले रहे हो तुम भी, ऐसे नहीं है मजे नहीं ले रहे हो, मुझे पता चल रहा है भाई, मैं नहीं मैं मजे ही नहीं लेना जानता, मैं अपना काम करने आता भी हूँ, मेरा काम है ये कि भाई साहब देखो पता है कहते हैं तुम क्या जैसे प्रॉब्लम बंदे, है कि तुम्हारे जैसा बंदा मेरे साथ का था एक बंदा भाई, उसका नाम था, नाम क्या था यार उसका, नाम भूल रहा हूँ, हाँ फरमान था उसका नाम, याद आ गया फरमान, तुम्हारे जैसा बंदा था सेम टू सेम, वो भाई बहुत आरामी बंदा था, लेकिन वो जो है ना गाली वगैरह कुछ नहीं करता था, वो अपने आप को ठंडा रख के ना मतलब ऐसे इंजॉयमेंट में काम करता था जैसे तुम कर रहे आवाज हो कट गई, इंजॉय। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज हेलो ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो हेलो, तो वो बंदा ना हाँ गाली गलौज ना करते हुए वो ऐसे इंजॉयमेंट में काम करता था, अगर कस्टमर गाली भी देते ना तो वो इंजॉय करता था, उसको मतलब एक तरीके से हाँ दूसरे वे में लेके उसको कहीं ना कहीं कस्टमर को शांत करके बहुत इंजॉय से काम करता था अपना, वैसे वाले बंदे हो तुम, डाइवर्ट कर देता था ना वो, हाँ गाली के डाइवर्ट कस्टमर को ही डाइवर्ट कर डाइवर्ट देता कि था सर आप सर मेरे बड़े ये भाई तो। हो, हाँ नहीं ऐसे नहीं करता था यार डाइवर्ट, वो कहता था नहीं सर आप भाई मेरे मैं बड़े बड़ा भाई नहीं हूँ, हो, बड़े आप हैं।
भाई साहब मैं आपसे नहीं कह रहा अच्छा हूँ, वो कहता था सामने, सर आप मेरे बड़े भाई हो, आप उनकी गाली अच्छा पीछे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे करके डाइवर्ट कर देता था बात को ही। तो वो कस्टमर अच्छा फिर प्यार से आ जाता था, अरे भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, वो फिर उसके बाद रिमार्क्स में डाल रहे, लेकिन आपको रिमार्क्स मैंने इसलिए बताया था, पूछ रहे थे ना ज्यादा, भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, आपको मुझे पता नहीं, समझोगे। मैंने डाले ही अभी रिमार्क्स तो मैं कुछ डाल ही नहीं रहा अभी। मैं तो आपके रिमार्क मैं आप झूठ बोलूं, मुझे जब डालना होंगे मैं तो आपसे ऑनेस्टली जो बात करूंगा, जैसा कि आपने कहा है कि बस आरटीपी लिख देना, मैं आरटीपी लिख दूंगा। आपने कहा है कि कस्टमर अब्यूज कर रहा था, ये लिख दूंगा कस्टमर अब्यूज एक्ट कहते हैं बस, और कहते हैं राइट ऑफ में जब जाएगा कहते हैं आप कहते हैं पेमेंट करेंगे, ये मैं रिमार्क में लिख के कहते हैं आगे बैंक को फॉरवर्ड कर दूंगा मेल डाल के, और कुछ नहीं करूंगा मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया, ऐसे बंदे कम मिलते हैं यार। मैं लिख भी दे रहा हूँ बात करते करते आपके साथ। ठीक है ठीक है, लिख दो भाई, ऐसे ही रिकवरी करना, मजा ही आएगा तुम्हारी रिकवरी में। भाई देखो मुझे पैसा चाहिए होता है, ठीक है ना, कंपनी मुझे सैलरी दे रही है, ठीक है, भाई जब आपके सीधी हाथ बात में टारगेट है तो कंपनी का टारगेट से नौकर निकाल हूँ, के दोगे ना। हाँ ये तो है भाई, पता मैं मुझे पता है, कंपनी का नौकर हूँ, वैसे ठीक है मैं ना, आपको अगर अपनी तो फिर अकॉर्डिंग जैसे बताऊं, कंपनी मेरे से बोलेगी ना कि कस्टमर सैड, एक मिनट, कस्टमर सैड आई विल, कस्टमर सैड FND फंड प्रॉब्लम देन राइट ऑफ RIGST राइट ऑफ में पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा करेगा जी। दिया भाई, हेलो, आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।